अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यानी कि x की पावर हमारे पास 2 आएगी। पहले हम क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर एक्यूरेट है। 9x-7x का स्क्वायर प्लस 1 और इधर है x प्लस 3। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आए तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है देखें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9x-7 ओवर इधर क्या है x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू इधर हमारे पास क्या है x प्लस 3। ठीक है, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखने हैं आपने। ax-7 ओवर इधर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3। जब आपने इसको पार्शियल में करना है ना, जब आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने पहले तो हम a लेते थे ना, इस कंडीशन में आपने क्या लेना है ax+b ओवर 81 x² + 1 इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा c कांस्टेंट का और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x+3। याद रखें जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए तो नीचे आपने x का स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन जो नोमिनेटर में आएगा वो आपके पास क्या आना चाहिए, ax+b आप लोगों ने करना है। जब आपके पास लीनियर है देन आपने ऊपर सिर्फ कांस्टेंट रखना है a b c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में क्या आएगा ax+b और लीनियर में हमारे पास क्या आएगा सिर्फ c। अब अगर हम इस का एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 9x-7 ओवर इधर क्या आ जाएगा x² + 1 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x+3। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है x² + 1 इधर भी क्या आ जाएगा x+3। ये x² + 1 इस x² कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा ax+b इंटू इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x+3। ये x+3 से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा c x² + 1। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था इसके बाद हम लेते हैं मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा 9x-7 = इधर आ जाएगा ax+b इंटू इधर आ जाएगा x+3 इधर आ जाएगा c इधर आ जाएगा x² + 1। ठीक है, अब देखें अब इस सारी इक्वेशन में अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, सारी इक्वेशन में हमारे पास क्या है एक लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके अपना किसी ना किसी का तो वैल्यू फाइंड करें ना। इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां -3 लगा दे। 9x की जगह क्या आ जाएगा -3 - 7 = a, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -3 + इधर आ जाएगा b। ठीक है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा यार हमारे पास फिर क्या आएगा भला, इधर आ जाएगा -3 + 3 + c इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर + 1 ब्रैकेट करें क्लोज। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 9 3 - 27 - 7 = ये सारी टर्म जीरो होगी बिकॉज -3 + 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा अंदर क्या आ जाएगा 9 + 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर = 9 + 1। ठीक हो गया, आगे हम क्या करेंगे -34 = इधर आ जाएगा c × 10। ठीक है, यहाँ 10 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -34/10। अगर हम 2 के टेबल पे अगर हम एलसीएम लें तो सॉरी कटिंग करें 17/5। ठीक है, सी हमारे पास क्या आ गया यार -17/5। अब देखें अब हमें क्या क्या चाहिए, लीनियर फैक्टर तो अब इस इक्वेशन में कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम क्या करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू ए बी की। अब देखें अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या आता है ax+b को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं x+3 के साथ, तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा ax² + bx + इधर आ जाएगा 3ax+3b ओवर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x² + bx + 3ax + 3b ओवर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यार, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 9x-7 = इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा ax² + bx + 3ax
प्लस थ्री बी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास अगर हम सी को मल्टीप्लाई कर दें तो सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यार, हमें चाहिए ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसके कोफिशियंट ले लेते हैं, हम लेते हैं टेकिंग कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट ले लेते हैं, यहां पे तो एक्स स्क्वायर के कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो इधर आ जाएगा हमारे पास जीरो। अगर हमारे पास अब यहां पे है ए और इधर है हमारे पास प्लस सी, ठीक है, अगर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इधर आएगा माइनस में, जब हम इधर लेके आएंगे तो 17/5 हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लें 17/5, हाँ जी 17/5 ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर किया कोफिशियंट में तो हमारे पास 17/5 आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, टेकिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स, अब एक्स के कोफिशियंट लेते हैं, एक्स जहां जहां पे है वहां वहां के कोफिशियंट उठा लें, 9 = इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा यार फिर बी, इधर आ जाएगा प्लस 3a, बस और कहीं नहीं है, मुबारक हो। इधर b हमारे पास है नहीं, b कुछ भी नहीं है, b प्लस 3a हमारे पास क्या है 17/5, ठीक है। अब हम कैसा करते हैं 17 * 3 = 17 = 34 = 51 शायद होगा ऐसा, 17 को मल्टीप्लाई करें हम 3 के साथ तो हमारे पास आता है 51, ओके। इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा b प्लस 51/5, ठीक है। अब अगर हम इसको इधर लेके जाएं 51/5 = b, अब अगर हम एलसीएम लेने 5, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1 = 45 - 51 = b, 51 में से माइनस किया 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, इधर आ जाएगा -6/5 और इधर आ जाएगा हमारे पास b, b हमारे पास क्या आ गया, b हमारे पास -6/5 आ गया, a हमारे पास क्या आ गया 17/5 आ गया और हमारे पास c हमारे पास क्या आ गया -17/c आ गया। तो हम इधर लिख सकते हैं क्या भला, a की जगह हम क्या लिखेंगे फिर, किथे गया a, a किधर है यार, ये है, इधर आ जाएगा हमारे पास 17/5x प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, बी किधर गया, ये है प्लस माइनस 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 6/5 और लास्ट में हमारे पास किधर गया, ये यहां पे ये आना है, इधर आ जाएगा हमारे पास फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, किधर गया सी, ये है ना प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 17/5 किधर गया, ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस 3। यहां पे हमारे पास कंप्लीट हो गया 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता तो मेरी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो और अच्छी लग गई है तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है,
अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की, अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है, बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, सोल्व एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और अनसोल्व एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और एमसीक्यूज़ की वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी की सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो आपके सामने एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोज हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोज आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज़, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोज हैं। इसी तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोज आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13.1। इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। आपको सिर्फ 500 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 03234516277 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।